तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। इन्फोसिस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद से अभी अगेन हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.62% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही आज की इस तेज़ी के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार 1494 के लेवल पर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यह अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1516 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1554, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1600, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1663 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1700, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1750 1800 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1494 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1462 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1424 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट स्टेप पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।